कपड़े वाली लेस लेंगे, लटकन वाली लेस लेंगे, छोटा सा बचा हुआ टुकड़ा और स्ट्रिंग वाली लेस लेंगे। अब हम चौड़ी वाली लेस के ऊपर लटकन वाली लेस रखेंगे, उसे पिन से फंसा देंगे, पर्ल हेडेड पिन से। देन उसके ऊपर यह कपड़ा रखेंगे जो ये मैंने लाइनिंग वाला लिया हुआ है, और इस तरह से फंसा कर हम उसमें बाद में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, लेस फंसाने के बाद उस पर कपड़ा रख दिया है और अब हम उसे अच्छे से सिल लेंगे। एक लाइन पूरी हमें सिलाई करनी है। अब इस किनारे पे हमें स्ट्रिंग लेस रखनी है। हाफ इंच की दूरी से हम इसमें अब सिलाई लगा देंगे एंड देन उसके बाद नीचे की लाइन पे सिलाई लगाएंगे। लेस को अच्छी तरह से अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, स्ट्रिंग वाली लेस को भी और लटकन वाली लेस को भी, और फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लीजिए। अब इस कोने पे हमें थोड़ा कट करने हैं दोनों कॉर्नर्स को, और जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है और एक्स्ट्रा लेस है उसे भी हम कट कर देंगे। हाँ, इस तरह से कॉर्नर से हमें तिरछा कट करना है। अब इस कोने से हम इसे पलटा लेंगे, जो हमने स्ट्रिंग वाली लेस डाल रखी थी। ये देखिए, इस तरह से हमारी लेस पलट चुकी है। अब इस साइड पे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंच, फिनिशिंग के साथ फोल्ड करें ताकि कुछ भी धागा या लेस का जो भी है थ्रेड वो दिखाई ना दे। उसके बाद सब कपड़ा अच्छे से अंदर फोल्ड कर दे, फिर स्ट्रिंग लेस जो है दूसरा बचा हुआ पीस उसे भी इसमें इस तरह से डाल दे, और अब हम यहाँ से इसे भी सिलाई करेंगे। ये देखिए, हाँ, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट करेंगे, डोरी में हम लटकन लगा देंगे और बेल्ट के सेंटर में कुछ शो बटन्स लगा देंगे, जो भी हमारे पास बचा हुआ पीस है, एंड देन हम उसमें थोड़े से मोती फिट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हमारा बेल्ट रेडी है। टैंग टैंग।